अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया मुबशिर है। ये मेरा YouTube चैनल है। इसमें आपको मैं स्किन, मेकअप और हेयर से रिलेटेड ऑल वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने तमाम फ्रेंड्स और दोस्तों को शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले हेयर की थ्योरी के बारे में बताऊंगी, आपको हेयर से मुतल्लिक बताऊंगी कि आप जो है कैसे घर पे आप अपना हेयर डाई कर सकते हैं अगर आप सैलून नहीं जा सकते, और या अगर आपके पास इतनी पेमेंट नहीं है कि आप हेयर के से रिलेटेड कोई कोर्स कर सकें। तो मैं आपको हेयर से रिलेटेड जो है थ्योरी बताऊँगी कि कैसे आप हेयर की थ्योरी को समझ कर आप अपने बालों पर जो है वो हेयर डाई कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ब्री मोड का कलर चार्ट है, इसमें हम आपको जो है बताएंगे कि हेयर की थ्योरी से रिलेटेड आपको चीज़ें बताएंगे। ये हैं हमारे पास जो है हेयर कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, जिसमें हम बालों के लेवल्स को सबसे पहले देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जब भी आप कलर करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बालों का लेवल कौन सा है। अब आप कहेंगे लेवल क्या चीज़ है, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा 2.0 से लेके 10.0 तक, ये हमारे हेयर्स के लेवल्स हैं। ये हेयर के 10 लेवल्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो हेयर कलर कर सकते हैं। मींस कि ये 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ये जो हैं हमारे लेवल्स हैं। अब क्लाइंट का कलर है 3.0, ठीक हो गया, और उसके चाहिए 5.0 या 6.0। तो आप बालों के लेवल को देखकर हेयर कलर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि बालों के कितने लेवल्स होते हैं। इसमें सबसे इस वीडियो में आपको बालों के लेवल के बारे में बताऊंगी और फैशन कलर के बारे में बताऊंगी कि फ़ैशन कलर क्या होता है, और फिर उसके बाद आगे चल के मज़ीद में आपको बताऊँगी कि कैसे अगर आपके पास जैसे फ़र्ज़ करें जैसे ये 8.37 है, अगर आपके पास 8.37 नहीं है तो आप इस कलर को कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद आपको जो मैं बताऊंगी ये फैशन शेड्स में ये सारे शेड्स हैं, इनको कैसे आप मिक्स करके तो आप ये वाले शेड्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको न्यूट्रलाइजिंग शेड्स बताऊंगी, उसके बाद आपको कट डाउन से रिलेटेड बताऊंगी, आपको डिवेलपर से रिलेटेड बताऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं बताऊंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये सबसे पहला मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको हेयर के लेवल्स के बारे में और फैशन शेड्स के बारे में बताऊंगी। हेयर के जो लेवल्स हैं वो 10 लेवल्स होते हैं, जैसे कि ये मैंने सबसे पहले आप देखें हेयर के हेयर से मुतल्लिक ये थ्योरी है। हेयर लेवल्स जो हैं वो 10 हेयर लेवल्स हैं, जैसे 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ये हेयर के 10 लेवल्स हो गए, 10 लेवल्स हो गए। अब जब शेड कार्ड में जब लिखा हुआ होता है जैसे 4.3, 5.3, 6.3 हो गया, 7.33, 4.66, ये जो तमाम जो कलर्स हैं ये 7 तो समझ आ गई, 7 यह है 7 का लेवल है। अब जैसे 2.0, 3.0 ये बेसिक लेवल्स हो गए हैं। अब जब ये देखें पॉइंट के बाद 0 है, इसका मतलब है इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, ये जस्ट नेचुरल शेड है। 5.0, जब 5.00 मतलब जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद पॉइंट के बाद 0 है और कोई आगे नेक्स्ट डिजिट नहीं है, इसका मतलब है ये नेचुरल शेड्स हैं, ये फर्स्ट 10 लेवल्स के शेड्स हैं। जब आप हेयर डाइज वगैरह लेते हैं उस पर लिखा हुआ होता है 9.0, 4.0, 5.0, इट्स मीन कि ये नेचुरल हेयर डाइज हैं, इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, ये नेचुरल कलर्स हैं। और अगर कलर्स में 4.3, 5.3, 7.3, 7.56 इस टाइप के शेड्स आते हैं तो इट्स मीन के देखिए पॉइंट के बाद 5.6 है, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद जो है वो 6 हो गया, पॉइंट के बाद 5.4 है, ये इस तरह के जो शेड्स होते हैं इसका मतलब है कि जो पॉइंट के बाद जो शेड्स हैं इनमें मिक्सिंग हुई हुई है फैशन शेड्स की। फैशन शेड्स ये शेड्स हैं, इन शेड्स के साथ जो है वो ये इन कलर्स में मिक्सिंग हुई हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फैशन शेड्स में जो है वो कौन कौन सा शेड है। अब जिस तरह पॉइंट के बाद 0 के बाद जो पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद जो 1 आएगा, इट्स मीन कि ये एश कलर को शो करता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये देखें 6.1, 6 जो है हमारा बेसिक लेवल है, 6 हमारा क्या है बेसिक, जो 6 नंबर है वो है, और
0.1 उसके अंदर ऐश की पिगमेंट है। अगर आप आपके पास ये 6.0 मीन्स के पॉइंट के बाद कुछ भी ऐड नहीं है, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं, मतलब ये आपका बेसिक सिक्स नंबर है। लेकिन जब पॉइंट के बाद वन नंबर आ जाएगा तो वन नंबर जो है वो शो करेगा आपके ऐश पिगमेंट को। 6.1 मीन्स कि इसमें फैशन कलर ऐड है। फैशन कलर कौन है? वन किसको प्रेजेंट कर रहा है? ऐश कलर को कर रहा है। मीन्स कि जब भी अगर आपका पॉइंट वन आएगा इसका मतलब है कि इसमें ऐश कलर की पिगमेंट इंक्लूड है। टू आएगा इसका मतलब है इसमें पॉइंट के बाद टू आएगा, ये नहीं कि टू तो ये देखें सिंपल टू जो है पॉइंट से पहले टू आएगा तो वो क्या है, वो आपका बेसिक लेवल है। लेकिन पॉइंट के बाद अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद अगर वन टू थ्री कुछ भी आएगा तो इट्स मीन कि इसमें फैशन शेड ऐड है। आप देखें टू है ना, अब मैं टू आपको यहाँ पर बताती हूँ। 12.22 अब टू जो है वो प्रेजेंट कर रहा है वॉयलेट शेड को कर रहा है। और आप देखें 0.3 अब थ्री जो है ऐड है, थ्री कलर जो इसमें ऐड हुआ है वो गोल्ड को प्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है, ये है गोल्ड। 6.3 अब थ्री जो है उसमें क्या है, गोल्ड है। आप देखें जिस तरह यह है 8.33 तो ये भी गोल्ड को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब ये डबल थ्री क्या है, डबल सिक्स क्या है, डबल फाइव क्या है, फाइव सिक्स क्या है, ये मैं आपको जो है नेक्स्ट आगे वीडियो में बताऊंगी कि ये जो डबल सिक्स है डबल थ्री है इसमें कितनी क्वांटिटी ऐड है। आप देखें सिक्स के बाद पॉइंट थ्री लगा हुआ है, ये गोल्ड को प्रेजेंट कर रहा है। अब सिक्स के बाद अब जैसे है 4.45 अब फोर जो है फोर हमारा कॉपर को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और फाइव हमारा प्रेजेंट कर रहा है रेड को, सिक्स हमारा प्रेजेंट कर रहा है महागनी को, सेवन हमारा प्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को, और एट हमारा प्रेजेंट कर रहा है ब्लू को। अब जब पॉइंट के बाद आपका फाइव आता है, अब पॉइंट के बाद आप फाइव देखेंगे, फाइव तो फाइव का मतलब है कि वो महागनी शेड है या रेड शेड है। तो उसके बाद हमने लिखा हुआ है 5.56। अब जो फाइव है, फाइव मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, रेड। और सिक्स देखें ये यहाँ पे क्या है, महागनी। तो सिक्स यहाँ पे है महागनी शेड है। तो अब देखें इस कलर, ये फाइव नंबर का शेड है, फाइव नंबर का शेड है, इसके अंदर कौन कौन सा शेड इंक्लूड हुआ हुआ है, महागनी एंड रेड शेड इंक्लूड हुआ हुआ है, दोनों शेड इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं। मीन्स के ये जो है बेसिक जो फाइव लेवल, ये तो फाइव पॉइंट के पीछे जो फाइव है ये तो आपका लेवल है, फाइव लेवल, ठीक हो गया। उसके बाद जो पॉइंट के बाद फाइव और सिक्स हैं ये आपके फैशन शेड्स हैं। मींस के फाइव जो है वो आपका रेड है और सिक्स आपका महागनी है। मींस के फाइव नंबर के अंदर रेड भी ऐड हुआ हुआ है और महागनी शेड भी ऐड हुआ हुआ है। जिस तरह 5.3 मैंने आपको बताया, मतलब पॉइंट के बाद जो थ्री है इसका मतलब इसमें गोल्ड इंक्लूड हुआ हुआ है। फाइव नंबर लेवल तो ये है ना, फाइव लेवल, ये फाइव लेवल है तो इसमें इंक्लूड हुआ हुआ है गोल्ड कलर। अगर ये